दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं और एकदम आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आप अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाते और अचानक से पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है? ऐसे क्यों होता है हमारे साथ? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो कमांडो भाई होते हैं वो तो हमारी सुरक्षा करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ऐसी सजाएं दी जाती है जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में ये छोटा सा छेद क्यों होता है? आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो, व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है सैमी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट सैमी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर 1933 में खींची गई तस्मानिया टाइगर की है, जो 1950 तक शिकार होने की वजह से लुप्त हो गए। इनका जबड़ा 120 डिग्री तक खुल जाता था, लेकिन इंसानों ने इनका नामो निशानी मिटा दिया। ये सिर्फ अब आपको तस्वीरों में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो उसे वहाँ की सरकार तब तक सैलरी देती है जब तक कि उसे नई जॉब नहीं मिल जाती। वाह, क्या सिस्टम है! क्या ऐसा सिस्टम भी भारत में होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के एक गांव में एक ऐसा गधा है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार से कम नहीं है? इस गधे का नाम टीपू है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। इसे इंडिया और एशिया में गधों का सुल्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, गाय के गोबर से गौरी बनती है जिसे हिंदी में उपला कहा जाता है। ये इंडिया में तो कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अमेरिका के स्टोर में बिकता है? और आश्चर्य की बात है कि 10 उपले वहाँ पे $2.99 यानी करीब करीब 221 रुपए में बिकते हैं। दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं और एकदम से आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आप अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाते। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है उनमें से बहुत लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अपने आसपास शैतान को महसूस किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय 1 साल का माना जाता है, क्योंकि यहाँ की स्थानीय लोगों का मानना है कि गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने का समय बिताता है। इसी कारण बच्चा पैदा होने पर 1 दिन की बजाय 1 साल का हो जाता है। वाह, कमाल की बात है ना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में ये छोटा सा छेद क्यों होता है? आईफोन में कैमरे और फ्लैश के बीच में दिया जाने वाला ये छोटा सा छेद बेहद छोटा होता है, जिसके बारे में जानने को लेकर यूजर्स में कोई भी उत्सुकता नहीं रहती। और इसमें आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि आईफोन के बैक कैमरे और फ्लैश के पास मौजूद इस छोटे से होल का संबंध कैमरा लेंस और फ्लैश लाइट से बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन में दिया जाने वाला यह छोटा सा होल असल में माइक्रोफोन है, लेकिन टेक्निकली यह वो माइक्रोफोन नहीं जो आपकी आवाज़ सुने, बल्कि यह वो माइक्रोफोन है जो बैकग्राउंड में चल रही फालतू की आवाज़ों को काटता है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तब यह माइक्रोफोन अपना कमाल दिखाता है। फोन कॉल करते समय पीछे से आने वाली आवाज़ को यह काट देता है और सामने वाले को सिर्फ आपकी ही आवाज़ पहुंचाता है। तो यही है उस छोटे से होल का राज। दोस्तों, हमारे जो कमांडोज होते हैं उन्हें कभी कभी छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी सजा मिलती है जिन्हें सुनने के बाद आपको भी डर लग जाएगा। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान छोटी छोटी गलतियों पर कमांडोज को ऐसी सजा मिलती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिनमें से पहली सजा है खूनी नाला। ये एक ऐसी सजा है जिनके बारे में सुनते ही कमांडो की नींद उड़ जाती है। कमांडोज की जान उनकी बंदूक में बसती है। अगर ऐसे कमांडोज अपनी राइफल कहीं रखकर भूल जाए तो समझो ऐसे में पूरी टीम की शामत आती है। पनिशमेंट के तौर पर पूरी टुकड़ी को खूनी नाले में घंटों गुजारने पड़ते हैं। यह नाला इतना गंदा होता है कि कोई आम इंसान इसकी बदबू से मर जाए, क्योंकि यह किसी आम नाले से 5 गुना ज़्यादा गंदा और बदबूदार होता है। और दूसरी सजा का नाम है महाराजा पनिशमेंट। कैंडिडेट कौन सी मिलिट्री फोर्स का है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हर फोर्स के कैंडिडेट को महाराजा पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। इस पनिशमेंट में कैंडिडेट को अपनी बॉडी वर्टिकल शेप में लिफ्ट करते हुए सिर्फ सिर के बल आगे मुंह करना पड़ता है। दिखने में यह सजा भले ही आपको सिंपल लग रही हो, लेकिन इस पनिशमेंट से होने वाले दर्द को तो वही समझ सकता है जो आर्मी का हिस्सा रह चुका है। तीसरी सजा है मसूरी नाइट्स। ये एक ऐसी पनिशमेंट है जो कैंडिडेट को उनकी नानी याद दिला देती है। कैंडिडेट को डिनर के बाद 2 मग पानी पिलाया जाता है और फिर उनसे एक रेंडम कॉम्बिनेशन में साइड रोल्स, बैक रोल्स और फ्रंट रोल्स मारवाए जाते हैं
और यह सब देहरादून की सर्द रात में होता है। इसके बाद कैंडिडेट को दूर दिख रहे मसूरी की लाइट गिनने को कहा जाता है। रैंडमली एक विनर चूज करके बाकी के सारी पलटन पर ठंडा पानी डालने को कहा जाता है। ये सारी सजाएं हमें सुनने को बहुत आसान लगती है, लेकिन जो इस सजा में से गुजरा है उसे ही पता होता है कि ये सजा कितनी खतरनाक है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी दुनिया के अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।